हिंदी में इसे मड़ुआ कहते हैं, इंग्लिश में रागी, और कुड़ुक में इसे कहते हैं कोदै। रोजगार की दिशा में जो है आगे बढ़ गई है और अलग अलग तरह के व्यंजन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। मोमो, पीठा और केक भी बनेगा। कहने का मतलब है जो मोमोज जो बनता है, अब मड़ुआ का भी मोमोज बनेगा। लोगों की जो मिथक है महुआ को लेकर कि महुआ से जो है शराब बनती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि महुआ से एक स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद चीज भी बनती है, वो है महुआ का लड्डू। जैसे अपना पारंपरिक व्यंजन है तो ये छिपते जा रहा है, पीछे छूटते जा रहा है, तो इसको हम लोग को आगे लाना है। पहले मड़ुआ को मतलब निम्न ग्रेड में देखा जाता था, अब तो स्कूल में हर जगह मड़ुआ का ये हो रहा है, प्रचलन हो रहा है। देखिए मेरे हाथ में ये मड़ुआ का घी का लड्डू है, इसको हम थोड़ा खाते हैं। ये सारा बीमारी के लिए फायदेमंद है, खास करके शुगर के लिए। प्रशिक्षण बड़ा अच्छा रहा, हम लोग रागी का लड्डू सीखे और हम लोग चाह रहे हैं कि इसको हम आगे भी सीखे और रोजगार में काम करें और आगे सेल करें। नमस्कार, जीएन भारत देख रहे हैं। जीएन भारत देखने वाले तमाम हमारे जो दर्शक हैं उनका स्वागत है। इस वक्त जो है हम रोहतास नगर में स्थित है और रोहतास नगर जो महिला मंडल सरना समिति महिला मंडल है, ये सारे महिला मंडल यहाँ पर उपस्थित है और हम आपको दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से एक खास रिपोर्ट हम दिखाएंगे। ये रिपोर्ट जो है कुछ अनोखा है, क्योंकि ये हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो महिला समूह के जो मंडल है, ये महिलाएं मतलब एक खास व्यंजन, यानी हम आप बता दें कि आदिवासी पारंपरिक वनपोष से निर्मित व्यंजन जो है बनाई जा रही है। और ये आप देख सकते हैं कि मड़ुआ है। आप हम बता दें कि मड़ुआ जो है एक खास होती है, मड़ुआ एक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है और मड़ुआ से ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बनाई जा रही है व्यंजन के रूप में। और जो महिला मंडल है यहाँ पर उपस्थित है और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो बन रहा है ये मड़ुआ का है। ये मड़ुआ का, ये क्या है मड़ुआ का? पीठा है। पीठा है, यस। अच्छा अच्छा दीदी, कैसे बनाते हैं मड़ुआ का पीठा? ये वाला जो है मड़ुआ का पीठा, आटा पानी गरम करें और फिर आटा को डाल के उसको चलाते हैं और फिर उसको जैसे आटा गूंधते हैं वैसे ही गूंधना पड़ता है। फिर क्या बोलेंगे, आलू का सब्जी बनाएं और उसमें कटोरी बना बना के वैसे भर रहे हैं। प्रशिक्षण ले रहे हैं? प्रशिक्षण ले रहे हैं ना? हाँ हाँ। प्रशिक्षण लेके उसके बाद आप लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना रोजगार बिजनेस। हाँ हाँ। देखिए ये जो महिला है, जितने भी महिला यहाँ पर या आई हुई है, ये रोजगार की दिशा में जो है आगे बढ़ गई है और अलग अलग तरह के व्यंजन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिला मंडल की जो लोग हैं और सारे जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं। जी आपका पूरा, आपका क्या नाम हुआ? सरिता उराव। सरिता, सरिता जी क्या कुछ बन रहा है ये? पहले इधर ई कोदै लड्डू। हाँ ई। अच्छा ये किससे है? हिंदी में इसे मड़ुआ कहते हैं, इंग्लिश में रागी, और कुड़ुक में इसे कहते हैं कोदै। तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही फायदेमंद है और आज के समय में सभी लोग जंक फूड की ओर, 2 मिनट्स मैगी और हर चीज़ रैपर खोल के चिप्स, तो हमारा लाइफ स्टाइल जो है ना वो भी इसी तरह से हो गया है कि मतलब हमारा लाइफ जो बहुत शॉर्ट हो गया है। और इस तरह से स्वस्थ लड्डू खा करके हम स्वस्थ हो सकते हैं, इसलिए हम ये बना रहे हैं और महिलाओं को एक हेल्प और रोज़गार भी हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि महिला मंडल और सारे लोगों को स्वास्थ्य किस तरह से रह सकें, इसलिए ये लड्डू बनाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। ये कौन सा लड्डू, किस तरह से बन रहा है? सर यहाँ हम रागी के लड्डू को 3 प्रकार से बना रहे हैं, एक घी के लड्डू, घी के रागी का लड्डू, और एक रिफाइंड ऑयल और एक गुड़ के। तो ये जो हमारा है ये रिफाइंड ऑयल से बना है, इसमें रागी यानी कि मड़ुआ और मड़ुआ का आटा, गेहूं का आटा, चीनी, जो पिसी हुई इलायची इसका इस्तेमाल किए हैं, और तिल, ड्राई फ्रूट्स,
ये सब का कॉम्बिनेशन करके हम लोग इसको बनाए हैं। देखिए ये सारी महिला मंडल की जो महिलाएं हैं और ये जो है जिस तरह से यहाँ पर बन रहा है और लगातार जो है यहाँ बैठी हुई है और कहीं ना कहीं एक जो पारंपरिक व्यंजन है इस व्यंजन को जो है कहीं ना कहीं ये दर्शाने की भी कोशिश की जा रही है और लोगों में ये संदेश पहुंचाने का कोशिश किया जा रहा है कि जो जंक फूड है जो जिस तरह से बच्चे लोग आज तक आजकल जो है मैगी खाते हैं और या तो फिर अन्य तरह की जो चाइनीज़ आइटम है वो खाते हैं, इससे बचने के लिए भी जो है एक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, इसको बढ़ावा देने के लिए और लोगों को अधिक से अधिक रोज़गार देने के लिए भी जो है महिलाएँ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, काम कर रही है, एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल भी है और ये पहल जो है निरंतर जारी है। और ये महिलाएं जो है कितने दिनों से जुड़े हुई हैं आप? तकरीबन एक साल हो रहा है हम लोग का यहाँ जुड़ा हुआ महिला मंडल में। एक साल? हाँ, एक साल। तो एक साल में आप क्या कुछ सीखी है और बाहर जाके? ये फर्स्ट प्रशिक्षण है। हाँ, और हम लोग खुद से गए हैं, आडरे हाउस गए हैं और 9 अगस्त में जेल पार्क भी गए थे, वहाँ से फर्स्ट प्राइज जीत के लाए थे। अच्छा, फर्स्ट प्राइज भी जीते? हाँ। तो कैसा लगता है कि इस तरह का मतलब व्यंजन जो है लोगों के बीच परोसते हैं आप लोग? कैसा लगता है? अच्छा लगता है, जैसे अपना पारंपरिक व्यंजन है तो ये छिपते जा रहा है, पीछे छूटते जा रहा है, तो इसको हम लोग को आगे लाना है। हाँ। तो घर आप लोग छोड़ करके आए हैं, बच्चों को घर पे रख के आए हैं, ऐसे में कितना समय देते हैं? बच्चा लोग स्कूल भेज करके जो भी टाइम मिलता है वो टाइम निकाल करके खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालते हैं और इस सब के लिए टाइम लगाते हैं। हाँ, देते हैं टाइम इसमें। आप लोग खुद खाते हैं या दूसरा को खिलाते हैं? खुद भी खाते हैं, खिलाते भी हैं। खाते हैं, खिलाते भी? हाँ। देखिए बड़ी बात यह है कि खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। ये मड़ुआ का लड्डू है, ये मड़ुआ का लड्डू जो है बेहद ही अब खास बने। और इसके बाद अब क्या प्रोसेस है? ये इस तरह से तो बना दिए, उसके बाद वाला प्रोसेस बताइए। हाँ, एक मिनट जी, आप बताइए। इसके बाद मड़ुआ का बालूशाही बनाया जाएगा, अभी मड़ुआ का पीठा बन रहा है जो अभी बनाया गया, और वो गुड़ का बनाया जाएगा बालूशाही, और फिर महुआ का बनाया जाएगा लड्डू, महुआ का लड्डू बनाया जाएगा। महुआ का लड्डू भी बनता है? महुआ का लड्डू क्या है? महुआ का लड्डू भी बनता है, अचार भी बनता है। ये कौन सा लड्डू? ये राई का लड्डू है जी, रागी का, महुआ रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर महुआ भी रखा हुआ है, आप दिखा सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि ये महुआ है। और लोगों की जो मिथक है महुआ को लेकर कि महुआ से जो है शराब बनती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि महुआ से एक स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद चीज़ भी बनती है, वो है महुआ का लड्डू। तो ये भी बड़ी बात है। तो महुआ का लड्डू जो है किस तरह से बनाया जाता है ये महिला ने पूरी तरह से बता दिया है, लेकिन अब दिखाते हैं दूसरी ओर कैमरे की तरफ, हम आपको दिखाएंगे दूसरी ओर कि किस तरह से यहाँ महिलाएं जो है ये चूल्हे पर ये बनाती हुई नज़र आ रही हैं। क्या दीदी, क्या कर रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंजू किंडो है। मंजू दी, ये मड़ुआ का पीठा है, रागी का पीठा। अच्छा, रागी। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह का कर रहे हैं? इसको स्टीम कर रहे हैं, उबाल रहे हैं, पानी नीचे डाल के भाप से इसको पकाया जाता है। अच्छा, ये कितने देर मतलब रखा जाता है? इसको 20 मिनट में पक जाएगा, तैयार हो जाएगा खाने लायक। खाने के लिए तैयार हो जाएगा? हाँ, खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो कितना समय लगता है पूरा मतलब बनाने में, उसके बाद जो है आप लोग चूल्हे में ये रखते हैं? करीब 1-1.5 घंटे में तो क्वांटिटी पर है, ये जैसे सामग्री रहेंगे। कैसा लगता है ये सब मतलब करके? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लोगों से क्या कुछ कहेंगे, लोगों से क्या कुछ कहेंगे ऐसे इस तरह का मतलब रोजगार से जुड़ने के लिए क्या कहेंगे लोगों से? क्या बोले? ज्यादा ज्यादा तो
हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और अपना पैर में खड़ा हुए, अपना बिजनेस के पर्पज से अगर कर रहे हैं तो घर में जो हस्बैंड अकेला कमाने वाले रहते हैं तो उसमें हाथ बटा सकते हैं बिजनेस करके। हाँ मड़ुआ भी स्वास्थ्यप्रद है, पहले मड़ुआ को मतलब निम्न ग्रेड में देखा जाता था, अब तो स्कूल में हर जगह मड़ुआ का ये हो रहा है, प्रचलन हो रहा है, तो मड़ुआ का रागी का लड्डू भी स्कूल में भी दिया जाता है। स्कूल में देते हैं आप लोग? नहीं, हस्बैंड मेरे टीचर है तो उनके स्कूल में दिलाता है। देखिए जितना भी आप देख रहे हैं आइटम जो है मड़ुआ का ये बन रहा है, ये विशेष प्रशिक्षण देने के लिए गुमला से जो है महिला आई हुई हैं। आपका नाम बता रही है? नाम है के गीता उराव एन गुमला तिबर्चकिर एन। और हाँ क्या कहेंगे, कितना प्रशिक्षण जो है किस तरह से दे रहे हैं और कितनी महिलाएं हैं इस प्रशिक्षण से जुड़ी हुई? एम गा असन गुमला नु करीब 15 आल रादम महिलार और इसन बहन गा रानर करीब 4 गुमला थी 4 वर्ष कदम माने कि मान तेंगा गे और असन गा एम 15-20 रादम और इसन बिस्तिम रानर करीब 15। एक एक करके महिलाएं जुड़ रही हैं ना? हाँ और ये दिन हम धीरे धीरे और कुहाँ ननम। हाँ देखिए गुमला से आई हैं और गुमला से प्रशिक्षण देने का काम कर रही हैं, और भी जगह देते हैं प्रशिक्षण? अब कुन पेंग है ऐसा एन नंजान तल का कुन पहली बार वर्च की रहे हैं और धीरे धीरे अगर एंगन में एक और होलेन चेल कालोन और तेंगुन। कौन सी भाषा बोल? एम है कुड़ुक भाषा है क्या? देखिए कुड़ुक भाषा में बोल रही है, आदिवासी समुदाय में कुड़ुक भाषा का एक महत्वपूर्ण रोल है और कुड़ुक भाषा में उन आदिवासी महिलाओं को समझाने का प्रयास कर रही है कि जितनी भी आदिवासी महिलाएं हैं इस रोज़गार से जुड़े और इस रोज़गार का जुड़कर जो है लाभ पा सके। क्या कहेंगे दीदी? क्या कहेंगे, प्रशिक्षण ले रहे हैं ना? कितना दिन से ले रहे हैं? हम लोग तो आज शुरू किए हैं। आज से शुरू किए हैं? शुरू किए हैं। अच्छा, पहले नहीं? पहले नहीं, आज से शुरू किए हैं और प्रशिक्षण बड़ा अच्छा रहा, हम लोग रागी का लड्डू सीखे और हम लोग चाह रहे हैं कि इसको हम आगे भी सीखे और रोजगार में काम करें और आगे सेल करें। मड़ुआ को लोग भूलते जा रहे हैं ऐसे में? भूलते जा रहे हैं और इसको हम चाहते हैं कि शहर में हर जगह इसको खाएं, बच्चे खाएं, बड़े खाएं, इससे पौष्टिक बहुत है, इसलिए ज़्यादातर इसको हम लोग सभी जगह छोटे बड़े जहाँ भी छोटे बड़े दुकान है सभी जगह हम लोग सेल करें। हाँ आप क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो हम बोलेंगे, मेरा नाम उषा उराव है, तो हम लोग को यहाँ मतलब कि यहाँ आए हैं और हम भी सीखने ही आए हैं तो देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब खाने में भी मज़ा आता है, हम खा लिए हैं पर आप लोग को भी हम बोलते हैं कि आप लोग भी खाइए और इन्जॉय कीजिए। वो अभी तक तो खिलाए नहीं आप लोग, मतलब खाइएगा, आप भी खाइएगा, टेस्ट कीजिएगा, बहुत स्वाद लगता है, अच्छा लगता है। और तो और क्या बोलेंगे? तो और सब महिलाओं को क्या कुछ कहेंगे इस रोज़गार से जुड़े इसका? हाँ और सब महिलाओं को भी बोलते हैं कि आप लोग भी जुड़िए, आइए और एक बार नहीं जुड़े हैं तो खा के भी देखिए, है ना, और टेस्ट करके भी आप लोग मतलब कि कैसा लगा वो भी आप लोग अनुभव कीजिए, है ना। देखिए मेरे हाथ में ये मड़ुआ का घी का लड्डू है, इसको हम थोड़ा खाते हैं। अरे वाह बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, वाह अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। अच्छा इसको ऐसे सिर्फ स्वास्थ्य के लिए खाते हैं या कुछ बीमारियों भी दूर? ये सारा बीमारी के लिए फायदेमंद है, खास करके शुगर के लिए, हाँ शुगर के लिए या फिर कुपोषित बच्चों के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद है। जो भी कमज़ोर आदमी से बूढ़ा बुजुर्ग हो गए, बच्चा हो गए और ठंडा के मौसम में तो और भी अच्छा होगा इनको खाने से।
जिनको आयरन की मात्रा का कमी है उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। इसमें अलसी का बीज डाला हुआ है और तिल डाला हुआ है, काजू है, काजू है, बादाम है, नारियल है, पिस्ता बादाम भी है और मूंगफली वाला बादाम भी है और तिल है, चीनी, इलायची का पाउडर है और ये इसमें रागी, अधिकतर रागी डाला हुआ है और हल्का मात्रा में गेहूं का भी आटा है इसमें, जो कि दोनों भुना तो मड़ुआ जिस तरह से बनाए हैं उसमें और भी चीज़ें हैं। हाँ, भून करके बनाया गया है घी से, प्योर घी से। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस तरह से मड़ुआ का लड्डू का ये बना है। ये लड्डू जो है ये खास लड्डू है, इसमें काजू भी है, तिल भी है और अन्य तरह की चीज़ें इसमें डाली गई हैं ताकि वो टेस्ट के साथ साथ कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य के लिए भी जो है लाभप्रद होगा। इसमें ये घी का है, ये मड़ुआ का लड्डू बनाया गया है, ये घी का और ये वाला जो है ये रिफाइन का है। जी हाँ, इसमें रिफाइन का क्या अंतर है? घी का टेस्ट अलग होता है। हाँ, और रेट भी अलग होगा। रेट भी, हाँ, क्या रेट? अभी तक तो रखे नहीं है। अच्छा, अभी रखे नहीं है। अच्छा, अभी सिर्फ सीखने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, सीख रहे हैं। देखिए, बड़ी बात ये है कि महिला जो है सीख रही है और कहीं ना कहीं ये घी का लड्डू बनाया गया मड़ुआ का और ये जो है ये रिफाइन का लड्डू बनाया गया है। जी सरिता जी, इस तरह के काम करने में कितना अच्छा लगता है? जी सर, बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। क्योंकि खाली समय में जो महिलाओं का सदुपयोग होता है, बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं फिर बच्चे महिलाएं यहाँ पर आती हैं, आकर के करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा जान के खुशी मिलती है कि हम लोग जंक फूड से दूर ये स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें खाने के लिए, हमारा मेन मकसद यही है कि किस तरह से हम स्वस्थ चीज़ अलग अलग वैरायटी में बनाएं। जैसे अभी तक लोग सिर्फ मड़वा का रोटी खाते थे, छिलका रोटी खाते थे, तो अब हम लोग यहाँ बनवा रहे हैं मोमो पीठा और केक भी बनेगा। अभी तो वो आइटम हम लोग नहीं बनाए हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर में हम लोग मड़वा का केक भी प्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब है कि जो मोमोज जो बनता है, अब मड़ुआ का भी मोमोज बनेगा। जी जी। अच्छा, तो ये फिर मार्केट में आप कैसे उपलब्ध करेंगे, क्योंकि मड़ुआ जो है बहुत विरले से मिलता है, इसका दाम भी ज़्यादा है, तो कैसे आप लोग मार्केट में फिर? सर, मेला लगा करके, स्टॉल करके और फिर इनके सर, जैसे ये अभी बड़ा सा हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है धूमकुड़िया, इनके माध्यम से हम लोग ऑनलाइन भी इसको बिक्री के लिए ये रखे हैं। जी सर, जी सर, ऑर्डर्स भी आते हैं सर, बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ से गए भी हैं। आप पैसे से क्या है? पैसे से आई एम ए प्रिंसिपल, शिक्षिका। जी जी, प्रिंसिपल सर। हाँ, शिक्षिका। तो इसको सर, मैं खाली समय में जो मेरे अभी भी मैं आई हूँ, तो मैं स्कूल से आई हूँ कि मैं सोची कि महिलाओं को किस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएं, और मुझे ये जान के बहुत खुशी होती कि कोई भी महिला अगर इसमें आती है तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा उनके आगे बढ़ने के लिए मदद करूँ, मेरे से जितना तक हो सके। हमारे साथ है सुषमा दी, जो कि बच्चों को स्कूल से भेजने के बाद सुबह या शाम जो भी खाली समय में पूरा समय देती है इस महिला मंडल के लिए। तो अभी दीदी कुड़ुक से बतलाएंगे सारा ये कोदय लड्डू के बारे में। अच्छा, कुड़ुक भाषा में बताइए। जोहर, ईद रही कोदय की लड्डू, या सबसे पहले दिन घी नो फ्राइन अंच करी, उसके बाद ये बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स मिल बाए की उनका एक पौष्टिक आहार कमच करी, ईद बहुत सारा फायदेमंद रही। अकुन हॉर्मोन के मालूम रही कि इतेंद्र फायदा रही, कैल्शियम, आयरन बहुत सारा ये नमक के फायदा रही, अदिन आगे नमक बढ़वाना रही। ठंडा के सीजन के बॉडी गर्म ननी, ठंडा के सीजन हूँ बॉडी गर्म ननी और पौष्टिकता हूँ, बहुत पौष्टिकता से भरपूर रही और महंगा तो बहुत रही, और इदिन मोखा गए जल्दी कीड़ा मलग लगी, यानी कि इसको खाने के बाद जल्दी भूख नहीं लगता है। भूख लगता ही नहीं, नहीं मतलब कम लगता है, मतलब पेट इतना हमारे पौष्टिकता जो मेरे शरीर में जो चरी ये इसमें आयरन भरपूर मात्रा में मिलते हैं। जी सर, कैल्शियम ये सब। हाँ, देखिए ये मड़ुआ जो है ये एक साधारण चीज़ नहीं है, ये मड़ुआ जो है काफ़ी स्वास्थ्य के लिए
लाभप्रद है, क्योंकि इसमें भरपूर तरीके से जिस तरह से महिलाओं ने बताया कि आयरन जो है पाया जाता है, और आयरन की जो कमी से महिलाएं जो जूझती हैं, ये मड़ुआ खाने से ये कमी दूर हो सकती है। यानी एक महिलाओं का एक अच्छा प्रयास है मड़ुआ को प्रचारित करने के लिए, रोज़गार की दिशा में महिलाओं को आगे बढ़ा रही हैं, प्रशिक्षण का काम दिया जा रहा है। तो हम पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये महिलाएं जो है एक आदिवासी समुदाय में एक अच्छा उदाहरण पेश करती हुई नज़र आ रही हैं। और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से महिलाएं इस मड़ुआ से, या तो आप उधर दिखाएं आप महुआ, ये दोनों तरह की जो चीज़ें हैं वनोपोष से लगातार जिस तरह से महिलाएं इस काम को अंजाम देने में लगी है, और कहीं ना कहीं लोगों के मन मस्तिष्क में मड़ुआ को लेकर जो मिथक है कि मड़ुआ से कुछ नहीं होता है, लेकिन इस तरह के जो व्यंजन है, व्यंजन से जो है कहीं ना कहीं वे स्वास्थ्य का लाभ भी पा सकेंगे और रोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। तो जीएन भारत के लिए रांची से मैं मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।